बताइए, ये जो जगह है इसका नाम है शीश महल। सिविल लाइन में भी शीश महल बना हुआ है। उस शीश महल का जितना पैसे की लागत लगी है, सरकारी पैसे की, आप लोगों के टैक्स के पैसे की जो लागत है वो बना है, उससे अगर आधे पैसे में भी यहाँ लग जाता तो यहाँ लोगों की हालत नहीं ठीक हो जाती। हम लोगों को घोट घोट के बीमारियां बन गई अंदर अंदर। दुकान मेरी एक छोटी सी दुकान है, 5 दिन मैंने खाली पानी किया है, 2-2 घंटे 5 दिन लगाए तो इतना पानी भर गया। उसमें जो खाली की चीजें थी ना वो तो तैर गई थी, मैंने लाके में गाय को डाल दिया। अब आप ये देख लो, ये बच्चे गलियों में ले लेके घूम रहे, आगे बहुत बुरी हाल। विधायक ऋतुराज गोविंद का घुसना सख्त मना है। काम नहीं करा रहे हो रमेश नशी, यहाँ की जनता ने करा है, बड़े शर्म की बात है। बस वही उससे आगे मत जाइए। ये किसका घर है यहाँ पे, तो देखिए क्या मच्छर और ये हो रहे हैं। पानी है, गंदा है, पानी में कई बच्चों का दिल हुआ है। ये देख ये बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारी हो गया हमें, तो अम्मा के प्रणाली की पानी। अम्मा जैसे विधायक के आप जाते हो, हमारे विधायक कुछ नहीं किया आज तक, कुछ नहीं करता। गाड़ी का रास्ता कोई कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आती है। चाना जी गली है, जब ये तो रास्ता हाल हो रहा है, यही हाल हुआ पड़ा है यहाँ। अब ये देखो, ये तो पूरा रास्ता है यहाँ। हाँ, ये पूरा रास्ता आप देखिए क्या हाल हुआ पड़ा, बताओ। वीडियो मेरी है, ये देखो अब कहाँ से बंदा निकलेगा, देखो आप। एमसीडी की गाड़ियाँ नहीं आती है, नहीं लेकिन आती है। कोई गरीब आदमी अगर अपना मकान बना देता है ना, तो यहाँ पे एमसीडी वाले पैसे बना देते हैं। अगर वो पहुँच यहाँ तक नहीं है तो वहाँ तक क्यों है? हम लोग कितने गरीब आदमी झुग्गी भी नहीं बना सकते, मतलब कूड़ा उठाते हैं और जैसी झुग्गी डालो वैसी तुरंत वसूली कर। एक लैंडर पे 30,000-50,000 ये डिमांड है, उसमें हो सकता है यहाँ निगम पार्षद भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि निगम पार्षद के नाम पे वसूली होती है यहाँ ना। तो दवाई कोई अच्छा आती हूँ तो कहते हैं दवाई नहीं है, हम कहाँ से दें? कोई दवाई है ही नहीं, ना बीपी की दवाई, ना दर्द की दवाई, ना घुटनों की दवाई, ना कोई टेस्ट होता अच्छा, कुछ नहीं। हाँ ऋतुराज बोल रहे हैं। हाँ यहाँ मैं शीश महल कॉलोनी में खड़ी हूँ, आप आए क्या यहाँ पे 10 साल में एक बार भी? अपने सड़कों के हालात देखे हैं यहाँ पे, ना सीवर लाइन पड़ा है, ना यहाँ पे सड़कें बनी है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, पानी भरा हुआ है और तुम अपने घर में छुपके बैठे हो, बाहर क्यों नहीं आते? हेलो, क्या हो गया, आवाज दब गई, क्या हो गया, बाहर क्यों नहीं निकलते? अरे कब करवाओगे, सुन तो रहे हो, काम कब करवाओगे, मैं ये पूछ रही हूँ। ये शीश महल कॉलोनी है, एक तुम लोगों ने शीश महल कॉलोनी बनवाई है सिविल लाइन में, वहाँ पे कमोड, वहाँ पे एक एक कमोड 12-12 लाख रुपए का है। यहाँ पे तुमसे गलियाँ नहीं बनती, वहाँ पे पर्दे 6 करोड़ के है, यहाँ पे तुमसे गलियाँ नहीं बनती। 10 साल से यहाँ पे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, शर्म नहीं आती? चेतावनी दे रही हूँ, ये सारा सीवर का पानी तुम्हारे घर के बाहर होगा, सारी के सारे लोग भी तुम्हारे घर के बाहर होंगे। कहाँ छुप के बैठे हो, कब तक छुपोगे, बाहर निकलो, कब तक करवाओगे सड़कें ठीक? अरे कब तक करवाओगे सड़कें ठीक, आवाज नहीं आ रही? किराड़ी विधानसभा की शीश महल कॉलोनी के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यहाँ की दुर्दशा दिखाई। मैं बता नहीं सकती कि किस तरीके का नारकीय जीवन ये लोग जीने के लिए मजबूर हैं। पिछले 10 सालों से ना तो यहाँ विधायक आया है, ना ही यहाँ निगम पार्षद आया है, सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं, 10 साल से सड़कें नहीं बनी हैं, सीवर 10 साल में नहीं पड़ा है, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि 10 सालों में 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि पानी भर जाता है और जो यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स हैं वो बहुत नीची हैं और लोगों को करंट लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। बहुत शर्म की बात है, दिल्ली में 2 शीश महल हैं, एक शीश महल है मुख्यमंत्री जी का आवास, वहां पे 5 करोड़ के पर्दे लगे हैं, 10-10, 12-12 लाख के कमोड लगे हैं,
50 करोड़ से ज्यादा की पूरे घर की लागत है। वो जो लागत है ना, वो ये सरकारी सरकारी जो पैसा है वो इन्हीं गरीबों के टैक्स का पैसा है। इनसे टैक्स लेते हैं, गरीबों का खून चूस के टैक्स लिया जाता है और उससे शीश महल अपना तो बनवा देते हैं। अगर उस शीश महल का आधा लागत भी इस शीश महल में, असली शीश महल में लगा दी होती, तो आज जो इतने सारे लोग हैं जो यहाँ त्रस्त हैं, उनकी जिंदगी सुधर जाती।